बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सत्ता है, लेकिन जनता की चुनी हुई सत्ता उनकी सरकार अपने ही का नागरिकों के लिए कितनी बड़ी गैर जिम्मेदार है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7-8 साल हो गए 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद कभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक आध बार बहुत दबाव भी हुआ तो उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे बल्कि उनके सरकार के उनके पार्टी के बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे लेकिन वो खामोश रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना भागते क्यों हैं? ये ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जनता के प्रति जो जवाबदेह होनी चाहिए जो पिछले प्रधानमंत्रियों ने किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? शायद उनको यह डर हो कि जनता अगर सीधे हमसे सवाल पूछती है, मीडिया अगर हमसे सीधे सवाल पूछती है, कड़े सवाल पूछती है, तो कहीं लाइव सेगमेंट में बेइज्जती ना हो जाए। शायद इसी छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके हैं। लेकिन अब तो हद हो गई है, अब तो पड़ोसी देश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वो पड़ोसी देश जिस पर एक कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन का अब उस पर कब्जा हो चुका है, और जब तालिबान नाम का वो संगठन जो बरसों से अपने कारनामों के लिए कुख्यात था, अब वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दिया और दुनिया के तमाम देशों को अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया, अपनी चुनौतियों के बारे में बता दिया और अपनी मंशा क्या है उसकी आगे चल के देश को चलाने के लिए, अफगानिस्तान को चलाने के लिए, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो हमारे नरेंद्र मोदी के सामने आखिर इतनी चुनौती क्यों है? जबकि हमारा देश अपनी विदेश पॉलिसी को, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है विदेश पॉलिसी को लेकर के, उसको ठेंगा दिखाते हुए अभी तक कोई भी अपनी विदेश नीति अफगानिस्तान को लेकर जाहिर नहीं कर सके हैं, ना यह बता सके हैं कि अफगानिस्तान की जो नई सरकार बनने जा रही है तालिबान, उनके साथ भारत का रिलेशन कैसा होगा, दोस्ताना होगा या तल्ख होगा, दोनों के बारे में कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। अब हालत यह हो गई है कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हम उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या क्या कहा है और कौन कौन सी बातों को तालिबान ने दुनिया के सामने रखा है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन सुन लीजिए कि भारत में इसके लिए क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कौन कौन से लोग हैं जो इस बारे में प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह से। सबसे पहला नाम तो आप देख ले, सबसे पहला नाम अगर हम किसी को देखें तो पुण्य प्रसून वाजपेयी। इन्होंने भी कहा है कि अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तालिबान ने, यानी इनका यह कहना है कि जब तालिबान जैसे संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हमारे देश के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर और 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री को अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ ही आप देख रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, अक्सर केंद्र और मोदी सरकार को, योगी सरकार को चुनौतियां दिया करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस। इन्होंने लिखा है कि यहां तक कि तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया प्रतीक्षारत है, जैनी फेस। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि इनको ये कह रहे हैं कि अब तो जो है तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो भारत ना पीछे क्यों है, क्यों वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। इस तरह से इन्होंने अपनी बातों को कहा। और एक चीज और जान ले, जबीउल्लाह मुजाहिद, जो जबीउल्लाह मुजाहिद है ये तालिबान के ऐसे प्रवक्ता के रूप में या सर्वे सर्वा के रूप में या प्रमुख के रूप में सामने आए हैं, जिनका सिर्फ आज तक नाम शामिल हुआ था, नाम के तौर पर लोग जाना करते थे, उनका कभी किसी ने शक्ल नहीं देखा। और तालिबान के बानियों में शुमार, जो संस्थापक में शुमार है मुल्ला मोहम्मद उमर, उनकी भी तस्वीर आज तक किसी को बरामद नहीं हुई, बस एक मामूली सी तस्वीर है जो बरसों से दुनिया में घूम रही है, उसके अलावा और कोई भी उनकी तस्वीर जो है आज तक नहीं बरामद हुई। लेकिन जबीउल्लाह मुजाहिद ये वो लड़ाके लोग हैं, ये वो तालिबान के संगठन के वो मजबूत धड़े हैं जिनके बारे में सिर्फ सुना गया था, तस्वीर नहीं देखी गई थी, लेकिन दुनिया ने इनकी तस्वीरें भी देखी, इनके वीडियोस भी देखी, इनसे सीधे बातचीत भी की और मीडिया ने जिस तरीके से सवालों का जवाब इनके सामने रखा, सवाल इनसे पूछे उनके, और जबीउल्लाह मुजाहिद ने सवाल रखा बेबाकी से, ये सोचने और कहने के लिए काफी है कि एक कौम
जो बरसों से पहाड़ों पर लड़ रही थी, पहाड़ों पर टिकी हुई थी, जब वो जमीन पर आती है तो किस तरीके से अपनी बात को रखती है, यह भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। क्या कहा है इनके बातों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस चीज को भी आप जरा गौर करें। इन्होंने कहा है कि हम जल्द सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं, सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से संपर्क किया जाए, सभी लोगों से ताल्लुकात राबते किए जाए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम अफगान इसमें शामिल हो, यानी कि अफगानिस्तान के जो अलग अलग धड़े हैं, पश्तो हैं, कबायली हैं और अलग अलग उसमें कम्युनिटी आप जोड़ सकते हैं इलाकाई या भाषा के आधार पर जो अलग अलग बटे हुए हैं, उनको भी तालिबान साथ लेकर के चलने के लिए बोल रहा है। और जाहिर से बात है ये बातें तो एक लोकतांत्रिक देश में होती है और कई बार तो लोकतांत्रिक देश में भी संभव नहीं हो पाती, तो तालिबान आखिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा करने जा रहा है। तालिबान ने कहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया में हम तमाम लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की खदमत करना चाहते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भविष्य की सरकार समावेशी होगी, जल्द ही सरकार की घोषणा होगी और जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होगी। इसको लेकर के कानून व्यवस्था को भी लेकर तालिबान ने प्रवक्ता ने कहा है, जबीउल्लाह मुजाहिद ने, वो क्या कहा है जरा उस पर भी गौर कर लें। तालिबान ने कहा है कि तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की होगी, क्योंकि देखिए वहां पर ना अब इंटेलिजेंस है, ना वहां पुलिस फोर्स है और ना ही वहां सेना है, ना ही वहां ट्रैफिक पुलिस है और ना ही वहां लोकल एलआईयू पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबने तो हथियार डाल दिए, सभी अपने ड्यूटी से हट गए। लेकिन अब तालिबान ही हर जगह वहां पर काबिज है और सब कुछ वही संभाल रहा है, इसलिए अब तालिबान काम व्यवस्था को लेकर के फोकस कर रहा है और कह रहा है कि तालिबान की प्राथमिकता जो होगी, प्योरिटी जो होगी, वो कानून व्यवस्था बनाने की होगी। इसके लिए इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे, जब कानून व्यवस्था हो जाएगा, निजाम हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तब चीजें होंगी, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपका दरवाजा जो है नहीं खटखटाएगा। जो एक शको शुबा थी लोगों को कि तालिबान आ गया, इतने सालों के बाद, 20 सालों के बाद तालिबान की वापसी हो गई तो सबको डंडी लेकर, छड़ी लेकर चौराहों पर मारेंगे, कहेंगे यार तुमने तो दाढ़ी नहीं रखी है, तुमने तो हिजाब नहीं पहन रखा है और तुमने तो जो है नमाज भी नहीं पढ़ी है। तो इस तरह की चीज जो खौफ बरसों से चली आ रही थी तालिबान के प्रति जहन में, उसका वो लेकर के तालिबान ने कहा है कि कोई भी आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जो है जो विदेशी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ठेकेदार हैं, जो अनुवादक हैं, उन तमाम तरह के लोगों को सवालों का जो है जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया है और कहा है कि हम किसी से बदला लेने नहीं जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई हमने तो पहले से ही, जैसे कि काबुल में जब एंट्री हुई तालिबान की तो उस वक्त तालिबान ने सबको आम माफी दे दी, मतलब जो भी तालिबान के खिलाफ काम कर रहे थे, सरकार के फेवर में काम कर रहे थे, जो भी तालिबान के विरोध में खड़े रहने वाले लोग थे, उन सब लोगों को तालिबान ने कहा कि हम आम माफी का ऐलान करते हैं, सबको माफ करते हैं और अब हम नए अफगानिस्तान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहां उन्होंने कहा है कि हम किसी से बदला लेने नहीं जा रहे हैं, जो नौजवान अफगानिस्तान में पले बढ़े हैं हम नहीं चाहते कि वो यहां से जाएं, वो हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, किसी भी उनके दरवाजे को दस्तक देने के लिए कोई नहीं जाएगा, ना ही उनसे कोई पूछताछ होने वाला है। तालिबान ने यह भी कहा कि किसके लिए काम कर रहे हैं हम इस तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे लोग हमारे शासन में सुरक्षित हैं, किसी से पूछताछ या उनका पीछा नहीं किया जाएगा। ये चीज कही। उसके बाद एक बड़ा सेगमेंट शामिल रहा है खवातीनों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, औरतों के अधिकारों को लेकर के, उस पर भी तालिबान ने बड़ा ही खुलकर के बात कहा है और कहा है कि हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने, पढ़ने लिखने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होने जा रही है। इसके साथ ही तालिबान ने एक चीज और भी कही है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो तालिबान की जो नई सरकार बने उसमें भी वो शामिल हों। अब सबसे मेन पॉइंट आउट करने वाली बातें यहां ये है कि भले ही तालिबान इस चीज को लेकर के कह रहा है कि हम तमाम लोगों को अपने सरकार में शामिल करेंगे, मिलीजुली सरकार होगी, सबको लेकर के चलेंगे, सबकी समावेशी सरकार होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बस एक फेस दिखाने के लिए रख दिया जाए, मतलब माइनॉरिटीज के तौर पर चाहे शिया हजरात हो, हजारा हो या और भी पश्तून कम्युनिटी या पख्तून हो, अगर सबको मिलाकर के चलना है तो फिर उनको बराबर के अधिकार भी देने पड़ेंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में उनको आजादी देनी पड़ेगी कि हाँ वो अपने काम को बेहतरी तरीके से कर सके, वरना सिर्फ एक सिंबॉलिक फेस के तौर पर अगर रखना है फिर तो तालिबान
वही काम करेगा जो पिछली सरकारें भी करती आ रही थी, और एकदम नाकामी का सामना उसको करना पड़ेगा। और भी उन्होंने कहा है शरीयत को लेकर के, महिलाओं और शरीयत को लेकर के, कि हम शरीयत व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने के लिए जो है जवाबदेह है। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने और भी चीजों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब तालिबान सरकार बनाएगी तब साफ साफ हो जाएगा, बताया जाएगा कि शरीयत या शरिया कानून के हिसाब से क्या क्या किसको किसको छूट मिलेगी महिलाओं को। और उन्होंने तमाम तरह की चीजों को कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत आजादी दी जाएगी, अधिकार दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में भी वो काम कर सकेंगी। उनसे ये भी पूछा गया कि भाई मीडिया महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई मीडिया आजाद है, मीडिया अपना काम करती रहेगी। मीडिया को लेकर के जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि 20 साल पहले जब तालिबान आया था तब मीडिया पूरी तरीके से बैन हो गई थी, उस वक्त बैन लगा दिया गया था। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों से जब बातचीत हुई, जबीउल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान का जो प्रवक्ता है, उन्होंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर हम मीडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जवाबदेह हैं, मीडिया को हमारी कमियों को ध्यान दिलाना चाहिए। ये देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है मीडिया के लिए, उन्होंने जो कहा कि मीडिया का ये काम है कि सरकार की आलोचना करे, सरकार की कमियों को उजागर करे, और वही बात ये खुद कह रहे हैं कि मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान दिलाना चाहिए ताकि हम राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर सकें। लेकिन मीडिया को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है इस्लामोफोबिया जो एक पूरी दुनिया में फैला हुआ था, खासतौर से तालिबान को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर के एक इस्लामोफोबिया का माहौल चारों तरफ पनपा हुआ था, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि मीडिया बायस होकर काम ना करे, खासतौर से इस्लामी सिस्टम के खिलाफ, जिस तरह इस्लामी जो मूल्य हैं, इस्लामी जो वैल्यूज हैं, उनको लेकर के। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमने अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति पाने के लिए सभी को माफ कर दिया, जो आम माफी का हम जिक्र कर रहे थे। हमारे लड़ाके और लोग, हम सब मिलकर यह तय करेंगे कि हम अपने साथ दूसरे सभी पक्षों और गुटों को साथ ला सके। जिन अफगानियों की जान दुश्मन सेना से लड़ते चली गई वो उनकी अपनी गलती है। यानी कहने का मतलब है कि दुश्मन सेना से लड़ते वक्त अगर आपकी जान चली गई तो आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो कुछ ही दिनों में पूरे देश को जीत लिया। इसके साथ उन्होंने एक और पॉइंट कही जो सबसे मेन चीज है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। उन्होंने कहा है कि हम ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान ना बने। यानी कि जो विदेशी जो फोर्सेस थी वो अक्सर एंट्री किया करते थे अफगानिस्तान में, लंबे समय तक अफगानिस्तान जो है अस्थिर रहा है, और खास तौर पर उस पर आरोप लगते रहे हैं तालिबान के ऊपर और अफगानिस्तान की जमीन पर कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल होती आ रही है आतंकवाद के लिए। उस पर उन्होंने ये बोला है कि हम ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान ना बने। हमने उन सभी को माफ कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, हम अब हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, हम अब बाहर या देश के कोई भीतर कोई दुश्मन नहीं चाहते, अब हम काबुल में अराजकता नहीं देखना चाहते। यानी कि चाहे अंदर का दुश्मन हो चाहे बाहर का दुश्मन हो, हम किसी भी तरह के दुश्मन को अब जो है कबूल नहीं कर रहे हैं, हम सबको आम माफी दे रहे हैं, सबको खत्म कर दिया, भले ही हमारे खिलाफ जिन लोगों ने जंगें लड़ी दुश्मनियां ली, हम सब के साथ जो है माफी, सबको माफी दे रहे हैं, उनके साथ जो भी दुश्मनी थी हम खत्म कर रहे हैं। इस तरह के इन्होंने ऐलान किया। हमारी योजना काबुल के बाहर ही रुकने की थी लेकिन दुर्भाग्य से जो है सरकार बहुत जो है नाकाम रही, क्योंकि उनको पता था, तालिबान भी इस बात को कह रहा था कि हमारा मकसद जो है वो काबुल पर कब्जा करना नहीं, हम काबुल में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन चूंकि वहां के जो बदनुमान जो सिस्टम थे, करप्ट लोग थे, लीडर थे, और खुद अशरफ गनी तीन तीन जो है जीप में डॉलर भर करके ले जा रहे थे, देश छोड़ना चाह रहे थे, इसको लेकर के तमाम लोगों में काफी गुस्सा था कि भाई आप रुके होते तो उसे सिस्टम का हिस्सा होते, कम से कम सरकार बनाने में आपकी भी एक हिस्सेदारी होती, भागीदारी होती, लेकिन शायद अशरफ गनी के पास ज्यादा डॉलर थे और वो देश छोड़कर भागना उनकी मजबूरी बन गई। तो उसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके सुरक्षा बल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास काम ना कर सके क्योंकि जो सरकारी सिस्टम थी वो फरार हो गई, सरकारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसने तो पहले ही सरेंडर कर दिया और अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग गई। ऐसे में हम कुछ
करना चाहता था, हम लोग कुछ करना चाहते थे काबुल के लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए, हमें काबुल में दाखिल होना पड़ा। उसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी इंश्योर किया है कुछ चीजों को लेकर के, और कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते, हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने का अधिकार है, दूसरे देशों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, नियम हैं और कानून हैं, हमारे मूल्यों के अनुसार अफगानिस्तान को, अफगानों को अपने नियम और कानून के तहत काम करने का अधिकार है। तो ये तमाम श्योरिटी जो है तालिबान ने जो है अपने लोगों को दी है, पूरी दुनिया को दी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सिंबॉलिक तौर पर तालिबान ऐसी बातें कह रहा है, क्योंकि देखिए शरीयत है, शरीयत शरीयत चिल्लाते बहुत से लोग हैं, लेकिन जब शरीयत के निफास की बात आती है और शरीयत को लागू करने की बात आती है तब कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि शरीयत शरीयत कहना आसान है, लागू करना बहुत मुश्किल है, और खुद उसे शरीयत पर चलना कितना मुश्किल है ये आप सऊदी अरेबिया को देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया भी आज के दिन, आज के वक्त में कंप्लीटली शरीयत को फॉलो नहीं कर पाता, शरीयत कहती कुछ और है और वहां भी होता कुछ और है। तो ऐसे में ये देखना काफी होगा, इंतजार होगा इस चीज का कि तालिबान अपनी जब सरकार बनाएगा तो किस तरह की छवि दिखाएगा, क्योंकि उसने तमाम जो कौंसलेट हैं, जो दूतावास हैं, जो एम्बेसी हैं, सबको इंश्योर किया है कि आप अपनी एम्बेसी हमारे यहां रखिए, जैसा चलता आ रहा है वैसा चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उसकी सुरक्षा लेंगे। भारत को भी उसने कहा है कि अपना कौंसलेट वापस खोलिए, जो लोग चले गए हैं वापस आए, अपना काम काज शुरू करें, बैंकों कर्मचारियों जो भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं सबको उन्होंने कह रखा है कि आप अपने काम को शुरू करें, जो बदनुमानी है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको घर पर के छोड़ के आइए और नए सिरे से अपना काम शुरू करिए, अपना जो है योगदान दीजिए। अब देखना बाकी होगा कि अफगान की सरकार जब बनेगी तो उसमें कैसे कैसे चेहरे देखने को मिलेंगे और वो कितना कामयाब होंगे, इन सबको देखने का इंतजार पूरी दुनिया को रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।